तो किस तरह से आप इस जिम्मेदारी को आप ले रहे हैं और चिल्ला मत यार मठ की और जो सनातन परंपरा उसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए सनातन परंपरा किस तरह से मठ का संचालन करते थे, किस तरीके से आनंद भाई आचार व्यवहार उनका रहता था, लोगों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, आने जाने वाले के साथ संतों का कैसा व्यवहार होना चाहिए। और मैं तो यहाँ यही चाहूँगा कि इसे और आगे बढ़ाने की चेष्टा करो, अपना प्रयत्न करता रहूँगा। यहाँ जो साधु संत आते रहे, प्रेम से भोजन पाए, उनको रुकने की व्यवस्था हो, विश्राम मिले, टाइम पर उनका भोजन मिले, जिसके वो जीवन यापन करते हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी चेष्टाएँ करूँगा वो आगे बढ़ाऊँ। गुरुदेव ने जिस तरीके से इस मठ को आगे बढ़ाया, सनातन के धर्म को आगे बढ़ाया, तो मेरा हमेशा से प्रयत्न रहा सनातन धर्म को उच्च कोटि पर रखने का। गुरुदेव ने यह किया और मैं उनका ही अनुसरण करूँगा और इसको अनुसरण करते हुए जो संपत्तियाँ उनको किस तरह बढ़ाएंगे, सजोएंगे आगे, इसलिए अपने मेहनत से या कर्म से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्या मेरा ये विशेष ध्यान रहेगा कि किसी तरह का उसमें कोई आपत्ति या कल की जिनको विद्रोह न उत्पन्न हो, इसलिए ताकि कल के दिन किसी तरह का कोई व्यथा उत्पन्न नहीं में आ रहा है।